मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज सुबह के बजे है 8, कल रात को तो इतना थकान लगा था कि कोई व्लॉग नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा सो गए। और अभी आज मॉर्निंग की सुबह हुई है और हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं जो आपको दिखाने के हैं। तो कल का जो विजिट था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन बहुत बहुत टायर्डिंग था, बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। सो नमू और मैं, हम दोनों रेडी हैं आज की विजिट के लिए। और आज हम जाने वाले हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे हमको बहुत ही अच्छे पिक्चर्स मिलेंगे। प्लस ये जो रिसोर्ट है वो है दूध सागर स्पा रिसोर्ट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा रिसोर्ट को, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है। तो अभी वहाँ पे आप जो देख रहे हो वो है पूरा बोट, और बहुत ही अच्छी वाला वाइल्ड एक्टिविटी वाला जो जोन है। हम नहीं जा रहे लेकिन क्या कि बहुत अच्छा जोन है वहाँ पे। इस साइड छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है और यहाँ से भी चिल्ड्रन प्ले एरिया और वो सब है। बहुत ही मतलब देखने जाए तो बहुत ही बड़ी वो प्रॉपर्टी है, पूरा देख सकते हो इसको, ये पूरा रिसोर्ट। अराउंड टू अराउंड यहाँ पे आई थिंक 50 जितने रूम्स हो गए है ना, 50 जितने रूम्स जो है। और यहाँ पे टेंट भी है इन केस इफ यू वांट टू एक्सप्लोर सम काइंड ऑफ टेंट। ये कैफे है, यहाँ पे टेंट्स भी है और घर भी है। घर बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं और मतलब उसका जो साइज़ के हिसाब से जो बड़ा है और वो बहुत अच्छा। हमें जो रूम है वो 1500 रुपये में ही मिल गया, सो दैट इज़ समथिंग रियली ग्रेट। अगर आपके पास मतलब अगर कोई और एडल्ट है तो फिर 500 रुपये बढ़ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल नो दैट्स अ गुड शो। सो दैट इज़ द थिंग। अभी जूते को रख देते हैं पीछे। So, अभी लंच हो गया फिनिश और आफ्टर ईटिंग डोसा वी आर गोइंग टू गो टू अवर नेक्स्ट लोकेशन। और ये जो नेक्स्ट लोकेशन है वो एक बहुत ही ओल्ड वाला चर्च है जो हम देखने जाने वाले हैं। सो वो यहाँ से करीब आई थिंक 4-5 मिनट का ही है, तो जल्दी से वहाँ पे जाते हैं। बट सेप्टेम्बर मंथ है तो भी गर्मी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब लाइक स्क्रैचिंग हीट है। सो लेट नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स गेट इन द कार एंड गो टू अवर नेक्स्ट लोकेशन। सो ये जो है वो चर्च है
बहुत ही बड़ा चर्च है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो चर्च है वो भारत के गोवा के अंदर पणजी से लगभग तो लगभग 10 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे ओल्ड चर्च के नाम पे फेमस है ये बेजिलिका ऑफ बॉम जीसस, जिसके अंदर जो फ्रांसिस जेवियर है उनके अवशेषों को रखा गया है। एग्नेशियस लोयला के बहुत ही अच्छे मित्र थे, और ये जो अवशेषों है उनको 400 सालों से सुरक्षित रखा गया है। और मतलब अगर मैं बताऊँ तो हर दशक के अंदर इनके जो अवशेष हैं उनको निकाला जाता है, और इसकी वजह से ही ये जो चर्च है वो गोवा का सबसे पुराना चर्च है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लिस्टेड भी है। तो वी फाउंड वन मोर चर्च। यस, यू कैन सी द चर्च। वेरी ब्यूटीफुल लग रहा है। रोड भी बहुत मस्त है, ट्रीज भी बहुत मस्त है, और यहाँ पे बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज हैं। दिस चर्च तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, और ये जो लोकेशन है वो एक टावर का लोकेशन है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। हाँ, तो ये पूरा जो टावर है वो पूरा अगस्तीन का टावर है, बहुत ही बड़ा वाला टावर है, बहुत ही बड़ा वाला टावर है। तो दोस्तों अभी हम एक और दूसरे चर्च की ओर बढ़ रहे हैं, और ये जो चर्च है उसका नाम है सेंट अगस्तीन चर्च, और उसको सेंट अगस्तीन टावर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पूरा चर्च है उसके अंदर एक्चुअली में वो 423 साल पुराना चर्च है, और उसकी वजह से उसमें से सिर्फ उसकी एक मंजिल जो है वही बची है 4 मंजिलों में से। और आगे का पूरा जो आप वीडियो देखोगे वो पूरा इस चर्च का वॉक अवे होगा। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज़ भी बता दूं कि गुमनाम है कोई आपने गाना सुना होगा, और साथिया जो सिंघम का गाना है वो दोनों गाने यहाँ पे शूट हुए थे, ये इस ब्यूटीफुल लोकेशन पे शूट हुए थे। Vamos a bailar.